स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप पंडित जी में। जैसा कि भैया जी के यहाँ कोई सांप देखा गया है और भैया जी ने हमें कॉल किया था, चलिए भैया जी का नाम जानेंगे, ग्राम सभा जानेंगे और जिले का नाम जानेंगे। जिला जौनपुर और पोस्टी जी। आपका नाम क्या है? गुलाब चंद। जैसा भैया ने अपना नाम बताया, गुलाब चंद, पोस्ट डवड़ी, ग्राम पसरामपुर और जिला जौनपुर। आइए देखते हैं सांप कौन सा है, इस समय तो खतरा हो भी सकता है। देखो फोड़ा मंगाइए अब खुदा। ये देखिए एक हमारे भारत देश का बहुत ही सीधा साधा सांप है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्नेक। ये देखिए थोड़ा पास से दिखाइए, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं पाया जाता। इसको गांव में लोग सोचते हैं ये सांप का बच्चा है, लेकिन ये सांप का बच्चा नहीं होता है, इसकी हाइट ही इतनी होती है। ये ऐसी प्रजाति का सांप है कि इसकी हाइट इतनी ही होती है। इसको चलिए छोड़ देते हैं, उसको निकालते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वो है, टारगेट अगला है क्योंकि वो कभी कभी डर बना है लोगों के मन में, बाकी दिखा तो था ही, कहीं छिप गया है। वीडियो में बने रहिए। कोई ना बच्चा आगे बढ़ा लीजिए। मोटरसाइकिल ये रहा, दिख रहे हैं? यस भाई, ये देखिए अभी वहाँ तो हम लोग इतना पानी डाले लेकिन चढ़ के इधर निकल रहा है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो बुलाया, मारा नहीं क्योंकि इसको मारना उचित भी नहीं है, और ये अगर गलती से किसी को बाइट कर लेता तो बहुत खतरा हो सकता था। काटने के बाद 40 से 45 मिनट का सिर्फ टाइम मिलता है। ऐसे में आप झाड़ फूक तंत्र मंत्र जड़ी बूटी चक्कर में पड़ेंगे तो आपका मौत निश्चित है। आपका प्राण अगर कोई बचाएगा तो वो एकमात्र एंटी वेनम, वो भी मिलता है कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जिला अस्पताल जाइए जहाँ पे आपको एंटी वेनम मिलेगा, आपके प्राण की रक्षा होगी। ये बहुत ही समझ लीजिए भारत देश का सबसे जहरीला सांप यही है। इससे पहले नाम आता है कॉमन करत का, लेकिन उसकी तादाद थोड़ी कम है और ये आए दिन सावन के मौसम में ज़्यादा दिखता है। ये देखिए कभी भी ऐसा सांप आपको वाइट करे सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, किसी भी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका प्राण बचना असंभव है, किसी भी दवा पीने पिलाने के चक्कर में पड़ेंगे। इसकी पहचान कर लीजिए, यह सांप कभी भी दिखे तो आप दूरी बना लें क्योंकि ये हमारे भारत देश का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन विनम पाया जाता है। इसके काटने के बाद आपको 40 से 45 मिनट का टाइम मिलता है। इसको साइंस नाजा बोलता है और हम लोग इस इंडियन स्पेक्टल कोबरा के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं गेहूं, फिटार, पलटू अन्य नामों से जाना जाता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कभी भी ये सांप आपको बाइट करे सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका मौत निश्चित है। ठीक है,
इसको इन्हीं सब बातों के साथ इसको करेंगे पैक और ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे, क्योंकि इनका हमारे वातावरण में रहना भी बहुत जरूरी है। चलते हैं, करेंगे इसको पैक और ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे। इसको ये जाना नहीं चाहता, थोड़ा सा मशक्कत होगी लेकिन इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को भी जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है। घबरा जाइए सरकार, फ्री में एंट्री भी ना मिलेगा, फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इधर भागेंगे तो प्राण भी नहीं बचेगा और जो आपका पैसा लगेगा वो अलग चीज़।